तो हेलो गाइस, ये देखो अपने रोपरो वाचटाउन में कितनी बढ़िया ट्रेन आ चुकी है और मैं इस ट्रेन की आज आपको सवारी करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि भाई ये ट्रेन कैसी चलती है। और भाई इस ट्रेन में बैठने के बाद जो मज़ा आता है ना भाई, ये मज़ा मैं आपको सबको देने वाला हूँ। तो चलो मैं एक बार टिप्सन दादा से पूछ लेता हूँ। भाई ओ टिप्सन दादा, इस ट्रेन का टिकट मुझे खरीदना है यार, मुझे कोई ट्रिक बताओ यार, मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने सारे। ओए छोटे, तो पागल है क्या? इस ट्रेन की सवारी करने के लिए कम से कम 10,000 रुपये होने जरूरी होते हैं, वरना तू इस ट्रेन की सवारी नहीं कर सकता भाई। अरे अच्छा टिप्सन दादा, इतने सारे पैसे यार, मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे? अरे हाँ छोटे, मैं मदद तो कर दूंगा, लेकिन यार तुझे हर वक्त ट्रेन में जाना होगा, तो मैं कैसे हर वक्त तेरी मदद थोड़ी कर सकता हूँ। अच्छा टिप्सन दादा, तो फिर मैं क्या करूँ यार, मेरे को पैसे की जरूरत है यार, मेरे को ट्रेन में बैठना है, मेरे को मेरे भाई से मिलने जाना है भाई। ओए छोटे, तू ज्यादा मत कुछ कर, एक विलन है अपने यहाँ पे, एक इसका नाम है मैड जॉय, ठीक है, उसको तू हरा दे, उसके बाद जो पैसे मिलेंगे वो तो रख लेना, और तू भाई एटीएम मशीन भी लूट लेना, बहुत सारे पैसे मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा टिप्सन दादा रुक जाओ यार, मेरे को वो मैड जॉय मिल चुका है, मैं उसको हराने के लिए जा रहा हूँ, अभी रुक जाओ, मैं उड़ते हुए जाऊँगा टिप्सन दादा। ठीक है भाई मैं जाता हूँ। तो दोस्तों भाई ये मैड जॉय को हराना होगा अपने को, फिर अपने को पैसे मिलेंगे और हम जाएंगे ट्रेन में बैठने के लिए, उसके बाद आएगा भाई असली मज़ा। ठीक है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैड जॉय को हरा के एक बार। ठीक है ये तो यहाँ पे ये रहा, ये मैड जॉय कहाँ पे है, ये रहा। तो भाई ये देखो पुलिस वाले से लड़ रहे हैं, पर वो पुलिस वालों को सुन नहीं रहा भाई, मैं इसको पिस्टल से मारने वाला हूँ भाई। ठीक है इसको पिस्टल से ही मारूंगा और ज़्यादा गोलियाँ नहीं लगने वाली। ठीक है ये गया देखो भाई, इसके हेड पे मारूंगा, ताकि हेड पे जितनी ज़्यादा गोलियां मार सकते हो उतनी मारना भाई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होता है। ठीक है ना, तो मैं इसको पूरा का पूरा डैमेज कर दूंगा। और ये देखो भाई इसने हाथ मार दिया और रो फिरो नीचे गिर गया, ऐसी क्या ताकत है भाई इस बंदे में, खतरनाक है भाई ये बंदा बिल्कुल। और इसके चमचे देखो भाई पूरी चारों तरफ से मेरे को मार रहे हैं। अब भाई मेरे को आ गया गुस्सा, अब मैं नहीं रुकने वाला भाई। ये देखो दो गोलियों में इसका काम एंड हो गया और ये नीचे ढह गया। ठीक है तो इसके बंदे भी मैंने मार दिए। अब गाइस मेरे को मिलने वाले थे पैसे और मैं हो गया खुश और गया पैसे लूटने के लिए, पर देखा तो भाई उतने पैसे नहीं थे जितने से हमारा टिकट बन सके। तो मैं फिर से एक बार अपनी जो स्टेशन होता है वहां पे गया और वहां पे मुझे मिल गई ये एटीएम मशीन। अब मैं एटीएम मशीन को हैक करने वाला हूं, ताकि यार मेरे को भी ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके। और मैं टिप्सन दादा ने जैसे कहा था वैसे ही हैक कर रहा हूं, पर ये हो नहीं रही है भाई, अब क्या करूं यहां पे मेरे पास, यहां पे 6-5 सेकंड बच चुके हैं, अब मैं नहीं कर सकता भाई। मेरे को समझ में आ गया भाई एटीएम हैक करना मेरे बस की बात नहीं है, अगली बार देखेंगे अगर कहीं पे मिल गया तो एकदम उसको है ना एकदम मस्त तरीके से हैक कर लेंगे। पर अब मेरे पास टाइम नहीं था ताकि यार मैं उसको हैक कर सकूं, इतने आराम से नहीं चलता वो काम, हमें पूरी ताकत से इसको फास्ट करना पड़ता है और अगर उंगली थोड़ी इधर उधर फिसल गई तो गया भाई काम से। ठीक है तो ये बहुत ही मुश्किल होता है भाई ये करना। अब भाई मेरे से वो तो नहीं हुआ, पर मेरे को फिर से एक बार लाइन मतलब वो लाल लाइन दिख गई, मतलब लाल लाइन मतलब पैसे वाला खतरा। ठीक है तो जहाँ पे लाल लाइन होती है वहाँ पे पैसे मिलते हैं, तो मैं उधर चला गया तो मुझे एक बार देखने को मिल चुका है भाई एक और लाल लाइन। अब मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे क्या मिलता है, मतलब क्या है, ताकि मुझे पैसे मिल सके उससे और मैं टिकट खरीद सकूँ। अब मैं फिर से यहाँ पे आ गया और यहाँ पे फिर से एक बार भाई ये जॉय दिख रहा है। ओए मैं जॉय नहीं हूँ, मैं उसका भाई हूँ जो उससे कुंभ के मेले में बिछड़ गया था। अरे भाई ये बोल रहा है ये जॉय नहीं है उसका भाई है। तो ये देखो मैं इसके भाई को भी मार देता हूँ, इसके भाई से भी मेरे को पैसे मिलेंगे यार। ये देखो इसका भाई भी बहुत ही खतरनाक है, उसके जैसा ही है, मतलब ये भी जॉय। अब भाई इसने मेरे को बम फोड़ दिया, अब मैं उधर रुका तो भाई मैं मर जाऊँगा, पर इसको ही मैंने मार दिया भाई, बम फटने से पहले ये मर गया। अब मैं जाके इससे पैसे यहाँ पे ये कर लेता हूँ। ठीक है तो मेरे पास और ज़्यादा पैसे बढ़ गए, पर इतने से भी काम नहीं होगा भाई, मैंने दो जो मैड जॉय को मार दिया पर इतने से भी काम नहीं होने वाला है, तो मेरे को और पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे सामने एक और मुझे एटीएम मशीन दिख गई भाई, क्या लक है यार मेरी, आज तो बहुत ही बढ़िया चल रही है। ठीक है तो मैं इसको फिर से एक बार हैक करने वाला हूँ, अब मैं एकदम शांति से हैक करने वाला हूँ। ठीक है ना भाई, अब कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ये गाइस होते होते रह गया यार। तो गाइस अब मेरे को आ गया फिर से गुस्सा, मतलब ये हुआ नहीं, मैंने 2 बार ट्राई किया और 2 बार मैड जॉय को मारा भाई, अब मेरे को आ गया भाई गुस्सा फिर से एक बार। तो मैं चल दिया अपनी स्टेशन की तरफ, मतलब जितने पैसे उतने से ही काम बन गया तो बन गया, नहीं तो भाड़ में जाए भाई। ठीक है ये और ये मेरे को ये ट्रांसफार्मर कार मिल गई, तो मैं इसको इससे पंगा नहीं लेने वाला भाई, कुछ भी हो जाए पर ये ट्रांसफार्मर कार से पंगा नहीं लूँगा भाई। अब मैं जा रहा हूँ अपने सीधे स्टेशन के पास, अब भाई मैं सीधा अंदर जाऊँगा और ट्रेन में बैठूँगा। ठीक है अब हो गया तो हो गया, नहीं तो भाड़ में जाए भाई, तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है तेरे से। ठीक है तो ये रहा स्टेशन, अब मैं इसके अंदर जाऊँगा और देखूँगा भाई कि मेरे से इतने पैसे में होता है या नहीं होता है। ठीक है तो मैं चला गया इसके अंदर, अब मैं दूसरे स्टेशन पे जाके देखूंगा। तो मैंने जैसे ही दूसरे स्टेशन पे क्लिक किया भाई, ये देखो मैं करता हूँ क्लिक, अब मैंने दूसरे स्टेशन पे क्लिक किया तो मेरे को गो टू स्टेशन का ऑप्शन दे गया, पर मेरे को जैसे ही उसको क्लिक किया तो भाई ये एग्जिट हो गया। ठीक है वहीं पर तो ये बोल रहा है भाई तेरे पास पैसे नहीं है। भाई मेरे पास पैसे क्यों नहीं है यार,
अभी मैं इसको एक ट्रिक लगाने वाला हूँ। एक ट्रिक क्या लगाऊंगा पता है गाइज़? मैं अभी मैं यहाँ पे एक स्प्राटा खेलने वाला हूँ। मतलब स्प्राटा आपको पता है क्या होता है? यहाँ पे इन बंदों को मारना होता है और बंदों को मारने के बाद अपने को पैसे मिलते हैं। तो मेरे पास 3000 कम थे तो मैं इन बंदों को मार देता हूँ। मतलब ये अगर स्प्राटा वाला मिशन आप करते हो ना गाइज़, आपको 3000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है? तो मैंने इन दो बंदों को तो मारना, मतलब इन दो बंदों को तो मारना ही मारना है, और साथ में एक और बार तीन बंदे आएंगे उनको फिर से मारना पड़ेगा, ठीक है? तो आप प्लीज़ यार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो। आज का लाइक हम रखते हैं सिर्फ 150 लाइक्स। और भाई इस मतलब पिछली वीडियो में जिन्होंने भी कमेंट किए थे उनको बिग बिग शाउट आउट। ये स्क्रीन पर देख सकते हो ये उनके नाम। अगर आपको भी शाउट आउट का हिस्सा बनना है तो नीचे कमेंट जरूर करना, आपका नाम अगली वीडियो में ले लूँगा। तो मैंने बहुत सारे बंदे मार दिए, अब मेरे को 3000 रुपये मिल गए, मतलब मेरे पैसे तो कंप्लीट हो गए। अब मेरे को बस जाना है और स्टेशन के अंदर घुसना है और ट्रेन बैठ जाना है, ठीक है? बस इतना ही काम बाकी है अभी। तो गाइस मैं आ गया नीचे, अब मैं सीधा जाने वाला हूँ ट्रेन के अंदर। मतलब वो स्टेशन होता है ना उसके अंदर जाऊंगा, और स्टेशन के अंदर जाने के बाद भाई मैं बैठने वाला हूँ अपनी ट्रेन के अंदर, क्योंकि भाई अब मैंने कमा लिया भाई बहुत सारे पैसे। टिकट भी उतने का नहीं आता, उतने पैसे मैंने कमा लिए। मतलब दो तीन बार मैं जो को मार दिया और इसको भी मतलब लूट लिया। तो मैं आ गया स्टेशन के पास, अब मैं जाऊंगा सीधा अंदर। तो भाई ये मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो भाई मैं अंदर नहीं जाने दे रहा क्यों भाई? तो मैं एक ट्रिक लगाने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं इसको हैक करने वाला हूँ भाई, अभी देखना आप। मैंने ट्रिक लगा दी और ये देखो गाइस ये क्या है, ये क्या बला है? आप क्या, आप में से कोई मुझे बता सकता है ये क्या बला है? ये देखो ये मतलब स्टेशन नहीं, नहीं भाई ये भूल भुलैया है, बस वहाँ तक खुलता है और उससे आगे कुछ भी नहीं है। इसमें बस इतना सा भूल भुलैया भाई, इसमें अंदर जाने से क्या होता है यार? तो भाई आप भी अगर स्टेशन के अंदर अभी तक नहीं गए हो ना तो ये ट्रिक कर लेना और उसके अंदर जाके देखना भाई, मज़ा आता है यार बहुत ही बढ़िया वाला। तो ठीक है मैंने इसको अंदर से देख लिया, अब मेरे को इसके अंदर जाने की चुल मच रही है भाई। तो मैं पानी में ही गिर गया, तो मेरे को पहले जेट अनइक्विप करना पड़ेगा, तब मैं अपनी जाके रोप इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जब रोप इस्तेमाल करूँगा तब हवा में उड़ने लगूँगा, ठीक है? तो मैंने इसकी रोप इस्तेमाल कर ली और मैं हवा में उड़ने लगा। अब मैं फिर से एक और बार इसके अंदर जाने के जाके देखने वाला हूँ क्या होता है। अब मैं इसको यहाँ पर आ गया भाई, मेरे को ये मूवमेंट भाई बहुत ही बढ़िया लगा, तो इसलिए मैंने इसको स्क्रीन शॉट में कैप्चर कर लिया। तो मैं रुक जाऊँ इसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है भाई इधर से। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सी ये जगह है, इसके अंदर आप जा सकते हो ये ट्रिक करके। और भाई ठीक है ना, मेरा गेम यहाँ पे लैग मार गया, स्क्रीनशॉट मारा। तो अब मैं इसके अंदर जाके जाने वाला हूँ और जाके देखने वाला हूँ कि भाई ट्रेन कहाँ से निकलती है और कहाँ पे हमें जाके छोड़ सकती है। तो ये फिर से एक बार रो फिरो नीचे गिर गया, मतलब रो फिरो ना कते सस्ते नशे करके रखे है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है ना भाई, अब देख लेना भाई मैं इसको इसके अंदर जाके दूसरी तरफ से निकलने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं अभी देखो यहाँ पे रो फेंक दूंगा और उड़ने लगूंगा। तो भाई मुझे लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मैं इसके यहाँ पे उड़ने लगा हूँ, बाहर आ गया। अभी देखो भाई इधर से जाऊँगा और उधर से निकलूँगा, ठीक है? अभी आपने जिस घड़ी का इंतज़ार किया था मैं उस घड़ी को आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं इधर से गया, अब मैं दूसरी तरफ से निकल के दिखाऊँगा, ठीक है? तो मैंने इस स्टेशन को सिलेक्ट कर लिया। अब भाई देखो भाई कहाँ था मैं और कहाँ पर आ गया, मतलब ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया है। और वो ट्रेन वाला मिशन है ना भाई, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलो मिलता है एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना।